मंगेठा उर अपने दे सोई सोई दे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज जेड़े भी मेरे वीर कहते हैं ना कि असी हर रोज़ नितनेम करते हैं, गुरद्वारा साहब जाने अते पूरा पाठ करते हैं, जो भी दसा जाए उस अनुसार करते हैं, पर फिर भी साढ़े जो मनोकामना होंगे इच्छावान पूरिया नहीं होंगे, इसका की कारण है? गुरु नानक देव जी सानू इस बारे किवें समझाना चाहते हैं ना, इस राही जानते हाँ। नानक सतगुरु ता मिलै जा मन रहै हंदूर। उस समय जदों गुरु नानक देव जी सुल्तानपुर लोधी सन, उन्होंने सारे इको उपदेश दे रहे थे, सानू सारे धर्मों के नाल मिल के रहना चाहिए, किसी धर्म नाल लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि सारे परमात्मा के बच्चे हैं। ये गल सुन के उतों का नवाब दौलत खां थोड़ा जा घबरा गया और सोचन लगा कि ऐसा गुरु किहड़ा है कि जिहड़ा अपने आप नूं सब दा सांझा मनता है। तो उन्होंने श्री गुरु नानक देव जी नूं अपने कोल बुलाया ते कहा, जे तुसी सारयां नूं अपना सांझा मनदे हो तां साडे नाल चलो, मस्जिद विच जाके नवाज पढ़ो। तां गुरु नानक देव जी उस समय भी तैयार हो गए और मस्जिद विच जाके गुरु जी ने काजी ते नवाब नूं कहा, जे तुसी नवाज पढ़ोगे तां असीं भी जरूर पढ़ांगे। सुन के नवाब ते काजी थोड़ा सोचन लगे कि यार आपां तां हर रोज़ ही नवाज पढ़ते हाँ, तो इन्हां नाल पढ़ लाँगे फिर की हुंदा है। ते गुरु जी कोल खड़े हसते रहे अते उन्होंने नवाज अदा करन लगे। नवाज पढ़न तो बाद उन्होंने कहा कि है गुरु, तुसी तां कहिंदे सी असी भी नवाज पढ़ांगे, पर तुसी तां कोल खड़े ही रहे, नवाज नहीं पढ़ी। गुरु जी ने कहा, तुसी आप तां नवाज पढ़ी नहीं, मैनू क्यों कहिंदे हो? नवाब कहिंदा, असीं दोनों की तां तुहाडे सामने नवाज पढ़ी है। गुरु जी कहिंदे, नवाब तेरा शरीर ही नवाज अदा कर रहा सी, पर तेरा मन तां कंधारा विच घोड़े खरीद रहा सा। फिर काजी कहिंदा, जे नवाब घोड़े खरीदने विच मन लाई बैठा सी तां फिर मैं तां नवाज जरूर अदा कर रहा सी। तां गुरु ने कहा, काजी तू भी शरीर ही मसीद विच लैके आया है, पर तेरा मन भी तां जो तेरी घोड़ी ने नवीं बछेरी नूं जन्म दिता है उस विच है कि किते उह नेड़े लगदे टोए विच ना डिग पवे, उसकी संभाल में कोई कर रहा होगा ये सोच रहा है। उस तरह ही असी ये देख सकते हैं कि जो असी खुद गुरबाणी पढ़ रहे होंगे या गुरु का नाम लै रहे हैं ना, उस समय सानू जो पुरानिया यादा जो काम किए होंगे वो याद आने लग जाते हैं, या फिर जो काम साढ़े पेंडिंग पाए होंगे उस बारे सोचने लग जाते हैं। गुरबाणी तो मूहां ते पढ़ रहे होंगे, शरीरक तौर पर बैठे होंगे गुरबाणी पढ़ रहे होंगे, पर मन तौर पर सानू कुछ समझ नहीं लग रही होंगी, गुरबाणी पढ़ते हैं तो चले जाने। पर गुरु जी कहते हैं ना, चित ला के भवें दी गुरबाणी थोड़ी पढ़ो, पर चित मन ला के पढ़ो। जे एक बारी वाहिगुरु सच्चे मनों भी कहा तो वह कई गुणा फल दिंदा है, कई रोग भी कट दिंदा है, पर सानू केवल शरीरक करके झुका करके गुरबाणी नहीं पढ़नी चाहिए, संगो शरदा अनुसार मन चित ला के गुरबाणी पढ़नी चाहिए है, तो गुरु साहब अगे शरदा अनुसार मत्था टेकना चाहिए, ना कि किसी के अगल बगल आसे पासे देख के। इस तरह गुरु के नाल जुड़ते रहो, हर रोज़ मन चित ला के गुरबाणी पढ़ो और गुरु दियां खुशियां प्राप्त करते रहो। इस तरह दियां होर जानकारियां लई सिखी ज्ञान चैनल नूं सबसक्राइब करो और अगे वीडियो नूं शेयर जरूर करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।